चीन ने एटमी मिसाइलें तैनात की हैं जो पूरे भारत में कहीं भी तबाही मचा सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तोपों और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। चीन ने अक्सर चीन में एटमी मिसाइलें तैनात की, इस वक्त की बड़ी खबर, तोपों और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम, रॉकेट से पाट दिया है। इसके अलावा चीनी मिसाइलों को छिपाने के लिए जमीन के अंदर ठिकाने बना रहा है, इसे वो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आएंगे और किसी हमले में नष्ट नहीं होंगी, यह भी जानकारी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सामने हम आपको दिखा रहे हैं चीनी जंग की तैयारी की बड़ी खबर। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अभिषेक, ओवर टू यू। ये जो बड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। ये आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूं, सैटेलाइट इमेजेस जो आ रही हैं, मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर दिखाएं। ये हमारे पास जो बड़ी खबर है, चीन ने अक्साई चिन में चीन ने रॉकेट और तोप भी तैनात किए। चीन ने अक्साई चिन में मिसाइलें तैनात की, इस वक्त की बड़ी खबर। और जो हमारे पास जानकारी है, चीन ने रॉकेट और तोप भी तैनात कर दिए हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये अपने आप में चिंता का विषय है। सीधे मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और स्टिल के साथ मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए। निशान, देखिए लगातार ये रॉकेट फोर्स है चीन की जो लगातार उसने डिप्लॉय की, और यह भी बात है कि चीन अपनी स्ट्रेंथ को वहां बढ़ा रहा है। ना सिर्फ आर्टिलरी टैंक बल्कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात करने का मतलब साफ है कि चीन बड़े हॉल्ट के लिए, फिर आप कह सकते हैं कि बड़ी जंग की तैयारियां कर रहे हैं। रॉकेट फोर्स यानी 2017 के करीब इस फोर्स का गठन किया गया था। ये वो स्पेशलाइज फोर्स है चीन की जिसका मकसद होता है बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना। आपको याद होगा कि S-400 और S-300 भी इन्हीं इलाकों में डिप्लॉय किया गया है ताकि वो भारत की तरफ से अगर कोई बड़ा एयर अटैक होता है तो उसको काउंटर कर सके। और अब अगर ये इस तरीके की न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात करता है तो ये बात साफ है निशांत कि चीन बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, या फिर चीन की जो तैयारियां हैं बहुत ज्यादा पुख्ता है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरे लिए चिंता का विषय ये है सुमित कि कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और यहां पर यह डिप्लॉयमेंट की खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये निशांत ऐसा नहीं है कि इसी कमांडर लेवल की मीटिंग के दौरान इस तरीके की खबरें आ रही है। आप और मैं लगातार ये पिछले 4 महीने से देख रहे हैं कि जब जब बातचीत हुई है चीन बातचीत जरूर करता है, लेकिन कहीं से भी चीन ने अपनी मोबिलाइजेशन को ना तो कम किया बल्कि हमेशा बढ़ाया है और हमेशा अपने टेक्टिकल वॉरहेड जो है या फिर टेक्टिकल फोर्सेज जो है उनको और ज्यादा मजबूत किया। और अभी भी निशांत ये बात पुख्ता है कि LAC पर लगातार उसकी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के? क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आपबीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी